नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम शिक्षा में सुनिवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में अपने और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम NCERT बोर्ड की गणित पाठ पुस्तक कक्षा 1 से पाठ क्रमांक 12 मुद्रा पाठ को लेके आए हैं। बहुत ही रोचक पाठ है जिसमें कि सिक्के, भारतीय सिक्के और नोट के बारे में पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों को 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, इसी प्रकार नोट, 500 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 2 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट, तो इन सब के बारे में बच्चों को बताने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये पाठ कल आपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और आज आप इस पाठ का पुनः अध्ययन कराना चाहते हैं, या पहले कभी आपने इस पाठ को पढ़ा दिया और आज आप इस पाठ का पुनः अध्ययन कराना चाहते हैं। पुनः अध्ययन इसलिए ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट लंबे समय तक गहराई से याद हो, समझ में आए। पुनः अध्ययन कराने से पहले हम समझते हैं कि आप जब बच्चों की प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करते हो उसमें क्या होता है। आप रोल नंबर बोलते हो, रोल नंबर 1, 2, आपने रोल नंबर बोला 1 तो बच्चा खड़ा हुआ, उसने यस सर बोला, यस मैम बोला, जय हिंद जय भारत बोलकर वो बैठ गया। क्या उसने कुछ नया सीखा? कुछ नया नहीं सीखा। बच्चे एकदम नीरसता से बैठे, उनके अंदर कोई रुचि नहीं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम यहाँ पर एक ऐसे नवाचार क्रियान्वित करेंगे जिससे बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, बच्चों में अनुशासन आएगा और बच्चे पाठ का पुनः अध्ययन करेंगे, साथ ही बच्चों की उपस्थिति भी दर्ज होगी। तो हम यहाँ पर एक नवाचार की बात करें, हमारे नवाचार का नाम है थीम आधारित उपस्थिति। थीम आधारित उपस्थिति बहुत ही रोचक और अच्छा नवाचार है। इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो विद्यार्थी पूर्व में पढ़े हुए पाठ से संबंधित कोई एक शब्द, एक वाक्य, एक संख्या बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। साथ ही कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है और पुनः अध्ययन करने के लिए नवाचार बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के क्रियान्वयन में 15 मिनट की समय अवधि जो है वो निर्धारित की गई है। बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है, लेकिन 15 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है। थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है, बच्चे जो है उनके लिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि बच्चों आपको जो भी उत्तर देना है खड़े होकर विनम्रतापूर्वक उत्तर देना है। इससे बच्चों के अंदर विनम्रता का गुण विकसित होता है। साथ ही अगर किसी बच्चे को उत्तर देने में समस्या है तो शिक्षक उनकी मदद भी करते हैं। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार की क्रियान्वयन में बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों मुद्रा जो पाठ है हमारा, इस पाठ का पुनः अध्ययन आज हम करेंगे गतिविधि के माध्यम से। तो बच्चों को गतिविधि बोला जाता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि गतिविधि उनके हिसाब से खेल है। तो बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों आज उपस्थिति में आप यस सर यस मैम नहीं बोलेंगे, उसके स्थान पर आप आज बोलेंगे कोई, हम उपस्थिति आप कोई थीम देंगे, उस थीम के आधार पर आज आप जवाब देंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आपको थीम दी जा रही है, एक शिक्षक कुछ रुपए या सिक्कों का नोट या का चित्र दिखाएंगे तो आपको बताना है कि ये कौन से रुपए है या कौन सी सिक्का है। रोल नंबर 1 सर ने बच्चे को 5 रुपए के नोट की पहचान कर संख्या बोलेगा बच्चा, ठीक है, 5 रुपए के नोट की संख्या मतलब 5 रुपए का नोट दिखाया, तो बच्चे ने बताया कि ये 5 रुपए है, 5 रुपए है मतलब नोट दिखाया। फिर दूसरा रोल नंबर 2, दूसरा बच्चा खड़ा उसको 10 रुपए का सिक्का दिखाया, तो उसने बताया कि सर ये 10 रुपए का सिक्का है। इस प्रकार प्रत्येक रोल नंबर में बारी बारी से बच्चे सिक्के और मुद्रा का शिक्षक ने जो चित्र दिखाया उसमें बताए हुए जो चित्र है, शिक्षक ने जो भी चित्र बताया उसकी पहचान करेगा और उसका नाम बताएगा और संख्या बोलेगा। तो जो भी संख्या है, 10 रुपए, 5 रुपए, 5 है या 10 है, इस प्रकार बच्चे अपने जो पाठ है मुद्रा पाठ, इसका पुनः अध्ययन बहुत आसानी से करते हैं। बच्चों को अच्छा भी लगता है और उनका पुनः अध्ययन भी हो जाता है, बच्चे की उपस्थिति भी दर्ज हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने आज NCERT बोर्ड की गणित पाठ पुस्तक कक्षा 1 से पाठ क्रमांक 12 मुद्रा पाठ का पुनः अध्ययन बहुत आसानी से किया। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपने वीडियो पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।